Hello everyone, I hope all of you are doing absolutely good and your studies are also going well. So welcome back to another vlog. So today I've started my studies at 5:15-5:20 because मैंने पूरा दिन तो कुछ भी नहीं किया था. And you know why? Because मेरे roommates और मेरे close friend घर से वापस आ गए थे and I was too excited to meet them. क्योंकि मैं ना उनसे 2.5 से 3 महीने बाद मिल रही हूँ and इसी excitement में मैं कल पूरी रात सोई नहीं हूँ और अभी 7 बज रहे हैं but मुझे कितनों सी भी नींद नहीं आई है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ because मैं अराउंड 1.5 महीने से ना मैं यहाँ पर अकेले रह रही हूँ. जस्ट मैं और मैं ही अकेले. और ऐसे रहना ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, खासकर जब आप अकेले रहे नहीं हो और कोई भी मेरे पास बात करने के लिए, अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए था ही नहीं. जस्ट जो थोड़ी बहुत बात हुई कॉल पे हुई एंड दैट्स ऑल. आज मॉर्निंग से लेकर अभी तक मैं नॉनस्टॉप बातें करते गई और इसी में मेरा टाइम पूरा चला गया. रात में मैं पूरी रात पढ़ी थी बट मॉर्निंग से ना मुझे कुछ याद ही नहीं था कि बुक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है. और मैं एक UPSC एस्पिरेंट हूँ तो उसके लिए स्टडीज़ के क्या मायने हैं, कुछ भी नहीं आता. जस्ट एंजॉयमेंट. एंड फाइनली जब मुझे याद आया तो मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी एंड ये व्लॉग अराउंड 5 o'clock से स्टार्ट हो रहा है. सो लेट्स सी कब तक ये जाता है. सो अभी मैं पहले PYQs रीड करूंगी एंड देन वापस से रिवाइज करना स्टार्ट करूंगी क्योंकि सोशियो का पेपर 1 ना अराउंड मेरा 2 बार खत्म हो चुका है एंड अभी मेरी वापस रिवीजन चल रही है. बट हमेशा मैं कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले जो मेरे पास लिस्ट है PYQs के क्वेश्चंस की उनको मैं गो थ्रू करती हूँ. मतलब हर एक टॉपिक के ना जो भी PYQs के क्वेश्चंस थे उनको मैंने अलग से सेग्रीगेट करके शीट्स बना करके रखी हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ. और उसी के साथ में ना सोशियो के लिए मेरे पास ना लॉ एक्सीलेंस की एक PDF है जिसमें 2001 से लेकर के 2019 तक के ना टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. अब ये मेथड ना नॉर्मल PYQs को गो थ्रू करने से ना अलग है. इसमें आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं एंड आपको आइडिया लग रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में ना कहाँ पे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है और UPSC आपसे कौन से टॉपिक के बारे में पूछना चाहता है, UPSC आपसे क्या चाहता है कि आप इस टॉपिक में क्या समझो. ये चीज़ आपको ना सेग्रीगेटेड अगर आप पढ़ रहे हो ना टॉपिक वाइज क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएंगे एंड इट्स मच 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 बेटर देन जो नॉर्मल हम PYQs एनालिसिस करते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा ये मेथड है. ट्राई आउट दिस एंड इट विल बी हेल्पिंग यू अलॉट. एंड सभी सब्जेक्ट के लिए मेथड फॉलो करना, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए भी. सोशल के लिए लॉ एक्सीलेंस की PDF मैं कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगी. बाकी सब्जेक्ट पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इन सब के जो भी क्वेश्चन हैं ना आपको प्रीलिम्स के बायजूस के साइट पे मिल जाएंगे. जस्ट आपको गूगल पे टाइप करना है टॉपिक वाइज प्रीलिम्स PYQs. और मेंस के क्वेश्चन या तो आप बायजूस की साइट से ही देख लो, अदरवाइज आप मृणाल सर की साइट चेक कर सकते हो. सो अभी मेरा रिवीजन और रीडिंग दोनों भी कंप्लीट हो गई है. थोड़ा सा ब्रेक लेकर के मैं अपने कुछ काम करूंगी. सो सबसे पहले मैंने अपना सामान चेक किया कि क्या क्या आया है घर से. तो ये कुछ मम्मा ने यमी यमी मिठाइयाँ भेजी थी घर से, सो वही मैं आपको दिखा रही हूँ. खिला तो सकती नहीं हूँ तो सोचा दिखाई देती हूँ. एंड देन इसके बाद हम मार्केट जाएंगे बाकी ग्रॉसरी स्टफ्स और सब्जियां लेने के लिए. स्कूटी तो मेरी बिगड़ी पड़ी हुई है सो चल के जाना था, इसलिए मैंने अपना वॉकिंग ट्रैक ऑन कर लिया है और मैं और इस वॉच से मैं अपना टाइम, कैलोरीज और कितने किलोमीटर मैं चली हूँ वो ट्रैक करके लास्ट में खुश होंगी. ये ना मेरी गिफ्टेड वॉच है, मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये बहुत काम की चीज़ है. इसके अंदर ना इतने सारे फंक्शंस हैं और मुझे एवरी नाउ एंड देन इसका यूज़ आता ही रहता है. यार कोई गिफ्ट देना किसी को तो 100 पीस की जगह ना ऐसी कुछ चीज़ दे जो इतनी ज़्यादा किसी के काम आती है एंड आई एम थैंकफुल टू द पर्सन जिसने मुझे ये गिफ्ट दिया. ओके सो मैं यहाँ से जाने के बाद मैं वापस आपको अपनी स्टडी टेबल पे मिलती हूँ. तब तक आप इस टॉपिक के बारे में सुनिए. तो सूरज ने मुझसे पूछा था कि मैं नाइट पुल आउट करके अपनी 6 मंथ की स्टडीज कर सकता हूँ क्या. सो हियर नाउ आई एड्रेस योर क्वेरी एंड इट्स फॉर एवरीवन जो होल नाइट पुल आउट करके अपनी स्टडीज करना चाहते हैं. अगर आप ये चीज स्टार्ट करना चाहते हो ना तो आपको 3 चीज का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना. पहली, आस्क योर सेल्फ वाई डू यू वांट टू डू दिस. एज हमारा नॉर्मल यूजुअल रूटीन मॉर्निंग में 6 o'clock से लेकर के नाइट में 12 o'clock तक चलता है एंड इसी के बीच में हम लोग जो भी अपने इंपॉर्टेंट काम है सारी चीजें करते हैं और जो आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो वो थोड़ा अनयूजुअल है तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ वाई डू यू वांट टू डू दैट. आपके पास वैलिड रीजन होनी चाहिए. मे बी ये हो सकता है कि आप एक वर्किंग पर्सन हो, आपको टाइम नहीं मिलता दिन में पढ़ने का, पढ़ाई का माहौल नहीं बनता है पूरे दिन घर पे तो आप रात में जग के पढ़ना चाहते हो. तीसरी चीज़, आपके पर कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको दिन में कंप्लीट करनी होती हैं, आपके पास नाइट का ही टाइम है जहाँ पे आप शांति से पढ़ सकते हो. और एनी अदर रीज़न, आप अपना रीज़न खुद से पूछिए. और आपके पास ऐसा कोई रीज़न मिलता है जिसकी वजह से आप दिन में नहीं पढ़ पा रहे हो और आपको रात में पढ़ना है तो यू कैन गो विद दिस. आपका अपने पास वैलिड रीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही चीज़ आपको पुश करेगी रात में पढ़ने के लिए. सेकेंड थिंग इज़ ट्राई एंड टेस्ट मेथड. अब इस स्टेप में आपको अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करनी है. अगर आप अपना कहीं पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ से आपको कितना आउटकम मिल रहा है किसी चीज़ का वो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप अपना हीरे से भी कीमती टाइम पानी की तरह यूं ही बहा दोगे. इसमें आपको करना ऐसे है कि पहले 5 दिन आपको नाइट स्टडी करनी है, उसके लिए आप अपने टारगेट्स फिक्स करके जो भी आपको नेक्स्ट 5 डेज में कंप्लीट करना हो एंड सीरियसली नेक्स्ट डे से ही रात में जग करके पढ़ना स्टार्ट करो. डू इट फॉर 5 डेज एंड देन फिर से आप अपना टारगेट्स बनाइए जो कि इक्विवेलेंट हो आपके लास्ट टारगेट से एंड इस बार आपको 7 डेज नॉर्मल यूजुअल रूटीन जो मॉर्निंग में हम पढ़ते हैं जैसे वैसे स्टडीज करनी है.
कंपैरिजन करने के लिए जो आपके टारगेट्स हैं और नंबर ऑफ आवर्स फिक्स होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए दोनों भी टाइप में. डेज फिक्स नहीं है बिकॉज दो दिन एक्स्ट्रा इसलिए मैंने बोला है ना, क्योंकि आप जब एक रूटीन से दूसरी रूटीन में जाते हो ना तो आपकी बॉडी को ना अडाप्ट होने के लिए टाइम चाहिए. जैसे हम कभी अगर न्यू प्लेस में कहीं जाएंगे तो उस दिन हमें ना नींद नहीं आती पूरी रात बिकॉज वो जगह हमारी बॉडी के लिए न्यू है. सेम वे व्हेन वी फ्रीक्वेंटली चेंज आवर रूटीन सो आवर बॉडी नीड्स टाइम टू अडाप्ट. दैट्स व्हाट आई हैव गिवन 2 days फॉर अडाप्टिंग. एंड नाउ एट द एंड ऑफ 12 days चेक योर प्रोडक्टिविटी बाई चेकिंग योर टारगेट्स. जिस भी रूटीन में आपके टारगेट्स ज्यादा कंप्लीट हुए हैं दैट सूट्स यू बेस्ट एंड यू शुड गो विद दैट ओनली बिकॉज एट द एंड योर प्रोडक्टिविटी मैटर्स अलॉट. नाउ थर्ड थिंग इज नो कॉम्प्रोमाइज विद योर स्लीप. कोई भी रूटीन फॉलो कर रहे हो आपकी स्लीप बहुत ज्यादा मैटर करती है. आपको प्रॉपर स्लीप लेनी ही है एंड स्पेशली अगर आप नाइट स्टडी कर रहे हो तो यू हैव टू टेक अ प्रॉपर गुड अमाउंट ऑफ स्लीप. मैं नंबर ऑफ आवर्स आपको नहीं बताऊंगी, वो आप अपने स्लीप पैटर्न के हिसाब से खुद चेक करिए कि आपको कितने आवर्स सो करके पूरा दिन रिफ्रेशिंग लगता है. बट ये 7-7.5 hours से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन स्लीपिंग. एंड 6 hours से कम नहीं होनी चाहिए बिकॉज आप अपनी बॉडी से इतना ज्यादा काम करा करके ले रहे हो तो यू नीड टू गिव इट अ रिवॉर्ड ऑल्सो, जो कि उसके लिए आपकी प्रॉपर स्लीप है. बिकॉज योर स्लीप एक्ट्स लाइक अ फ्यूल टू योर बॉडी एंड इट रीचार्जेस योर एनर्जी फॉर द नेक्स्ट डे. कभी कभी ना हम लोग अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए ऐसे फालतू सेक्रीफाइस करते हैं जिसका आपको भुगतान लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा. आपकी हेल्थ पे, आपकी स्टडीज पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे और बाकी जो भी आपकी लाइफ की चीजें हैं सब पे इफेक्ट पड़ेगा. सो डोंट डू दिस टू योर सेल्फ. अगर आप में से कोई भी ये सोचता है कि मैं अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करके अपने टारगेट्स कंप्लीट कर सकती हूँ या सकता हूँ तो यू आर वेरी रॉन्ग और आप यहाँ पे 4-5 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाओगे. और साथ ही में बीमार पड़ने के बाद अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा आपको. बींग अ स्टूडेंट स्टडीज के बाद आपके लिए 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. फर्स्ट इज गुड होममेड फूड एंड सेकंड इज गुड स्लीप. अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नाइट पुल आउट करना है या नहीं. अभी अराउंड 1:30 बज रहे हैं एंड मेरी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी हैं. टारगेट्स हम लास्ट में देखेंगे कि कंप्लीट हुए या नहीं हुए, बट उससे पहले मैंने ये घर वाली पानी पूरी खाई एंड इट वाज सो टेस्टी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने 30 पानी पूरी कब खा ली और अभी भी मेरे पेट में जगह थी. यार पानी पूरी का ना क्रेजी अलग है. और मैंने 3 महीने से पानी पूरी खाई ही नहीं थी क्योंकि मुझे ये घर वाली पानी पूरी खानी थी, बाहर की खानी नहीं थी और बनाने वाला इंसान था नहीं, इसलिए मुझे इतना वेट करना पड़ा. एंड फाइनली द वेट इज ओवर और ये मेरे वेट के कंपैरिजन से कहीं ज्यादा वर्थ थी एंड आई एंजॉयड इट अलॉट. चलिए अब इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड देखते इसके अंदर है क्या. तो कुछ दिन पहले मैंने फोल्डेबल स्टडी टेबल ऑर्डर किया था सो दैट मैं नीचे या फिर बेड पे बैठ करके आराम से पढ़ पाऊं एंड आज फाइनली ये रिसीव हो गया है. सो आफ्टर अनबॉक्सिंग आई कैन टेल यू दैट द क्वालिटी वाज टू गुड. डिलीवरी भी काफी फास्ट थी, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी, टेबल इतने अच्छे से फिट किया था कि वो निकल नहीं रहा था उसमें से. एंड एट द एंड प्राइस भी ठीक था, थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा. इट हैज कॉस्ट मी अराउंड 455 rupees एंड इससे कम प्राइस में कोई भी टेबल नहीं थी. सो आई वेंट फॉर दिस एंड इफ यू आल्सो प्लानिंग फॉर And if you're also planning to buy a foldable study table, the link is given in the description box. Check in it and just in one click, product आपके सामने होगा और आप वहाँ से purchase कर सकते हो. That's it for today. Just आज के दिन में मैं society की magazine नहीं read कर पाई and all other targets are completed. Thanks for watching. Bye bye. Take care of yourselves. See you soon in my upcoming vlogs. Till that time, keep smiling and keep shining.